अभी आपने हाल ही में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया हुआ है पीएम केयर फंड्स को लेकर, तो आज का ये आर्टिकल उसी से संबंधित है। देखता हूँ क्या क्या इसमें जानने के लिए। हाल ही में आपने देखा है सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पीएम केयर फंड्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में हस्तांतरित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया। ये दोनों फंड उद्देश्य तथा अन्य सभी मामलों में एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, क्योंकि आपने देखा है पीएम केयर फंड्स ये अभी जो कोरोना महामारी आई हुई है इसी के टाइम आपने देखा है। इसके प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने पीएम केयर फंड का ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास भी लोगों ने इसमें एक तरह से आपने योगदान दिया होगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर साहे की खंडपीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL यानी कि PIL के नाम से भी जानते हैं के नाम के एनजीओ द्वारा इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। आप जानते हैं कि एक PIL आप कोई भी दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या आप किसी भी न्यायालय में, ठीक है। खंडपीठ ने कहा है कि पीएम केयर फंड में देश के सभी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए कुल योगदान को ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जारी किया जाना है, और इस ट्रस्ट को कोई भी बजटीय सहायता या कोई सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा ट्रस्ट के निर्माण के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, पता है। आप लोगों को अपना व्यू भी देखना है नीचे, क्योंकि आपने देखा है कि ये सरकारी, जैसे जनता ने पैसा दिया हुआ है, आपने हमने पैसा दिया हुआ है, तो इसमें एक आपने देखा होगा कि सूचना के अधिकार के तहत एक किसी ने सूचना भी मांगी हुई थी तो उसमें भी पीएम फंड की जानकारी देने से मना कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का पैसा, और जनता को ही मालूम नहीं चले कि कहाँ जा रहा है, कैसा खर्च किया जा रहा है, तो आप एक तरह से पारदर्शिता नहीं बनी हुई है इसमें। विवाद क्यों है? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि न्यायालय सरकार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना बनाने की का दिशा निर्देश दे। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि पीएम केयर फंड के तहत एकत्रित की गई संपूर्ण राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत हस्तांतरित कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है उसे भी देख लेता हूं। खंडपीठ ने कहा है कि वर्ष 2019 की राष्ट्रीय योजना में महामारी के सभी पहलुओं, जिसमें महामारी से निपटने संबंधी सभी उपाय और प्रतिक्रिया आदि को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि यह राष्ट्रीय योजना वर्ष 2016 में बनाई गई थी और नवंबर 2019 में से संशोधित तथा अनुमोदित किया गया था। इस लिहाज से याचिकाकर्ताओं का तर्क सही नहीं है कि देश में महामारी से निपटने के लिए कोई विस्तृत योजना मौजूद नहीं है। खंडपीठ ने कहा है कि COVID-19 एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी महामारी है, और राष्ट्रीय योजना 2019 में इसे विशेष रूप से कवर भी किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय योजना में इस तरह की महामारी से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, दिशा निर्देश और उपाय सुझाए गए हैं। इस प्रकार देश में COVID-19 से निपटने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं की कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ता था जो, इसका तर्क क्या है उसे भी देख लीजिए। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि सरकार द्वारा पीएम केयर फंड बनाए जाने से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का ऑडिट नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी द्वारा किया जाता है, जबकि पीएम केयर फंड का ऑडिट सीएजी द्वारा नहीं बल्कि किसी निजी चार्टर अकाउंट सीए द्वारा किया जाता है, जो कि इस फंड की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सीएजी के द्वारा होता है तो एक तरह से नियम से होता है और सही जानकारी सामने आती है, लेकिन सीए यानी कि निजी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा तो इसमें हेरा फेरी भी हो सकती है। फिर बात करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। तो इसी वर्ष मार्च में यानी कि 2000 मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट पूर्ण स्थिति से निपटने हेतु
आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष अर्थात पीएम केयर फंड की स्थापना की। पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष आप देखते हैं प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में आप रक्षा मंत्री को देखेंगे, गृह मंत्री को और वित्त मंत्री को इसमें शामिल किया गया है। कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम भी होंगे और किया भी गया है। एक कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत और नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। पीएम केयर फंड और सूचना का अधिकार, मैंने बताया ना कि जो शामिल इसमें सूचना मांगी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने पीएम केयर फंड के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा 7(9) के तहत देने से इनकार कर दिया। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7(9) के अनुसार किसी भी सूचना को साधारणता उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुमानित रूप से विचलित न करता हो या प्रश्न चिन्ह अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल ना हो। कई विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के इस कदम को आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) के अनुचित उपयोग के रूप में परिभाषित भी किया है। और ध्यातव्य है कि 2010 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 9(7)(9) में धारा 7(9) किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करने से छूट नहीं देती है, बल्कि यह किसी अन्य प्रारूप में सूचना प्रदान करने का को अनिवार्य करता है। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने पीएम केयर फंड को लेकर दायर किए गए तमाम आवेदनों में से इसके संबंध में सूचना देने से इनकार कर दिया था। इससे पूर्व पीएमओ ने एक आवेदन के जवाब में कहा था कि पीएम केयर फंड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूं ये बात, आप सोचिए कि जनता का पैसा है और इस सरकार को कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, सही बात है, चलिए मान लेता हूं, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं देंगे। लेकिन आप सोचिए कि आपने पैसा जमा किया है, आपने हमने आपने सबने देखिए योगदान किया हुआ है, कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपका पैसा गया कहाँ है। इसमें बोल दिया जा रहा है पीएमओ की तरफ से कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, फिर मतलब देने का मतलब क्या है? आप सोचिए कि अगली बार से अगर इस तरह अभी देखा है किसी ने 100 रुपये, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 5 रुपये, जिसकी जितनी औकात थी उस हिसाब से सबने दिया है योगदान, लेकिन अगर इस तरह की हेरा फेरी की जाती है तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह के काम करे। एक समय हुआ करता था कि पुजारियों की बात मान्यता होती थी हमारे देश में, जाके लोग धर्म के नाम पर कितना भी पैसा खर्च करते थे, उसके बाद उन्हें सामने आया कि पुजारी भी भ्रष्ट होते जा रहे, खा रहे हैं पैसा, खाते हैं, तो वो जाके अब उनमें बेहतर क्या करते हैं कि पुजारियों को देने की बजाय किसी जनता किसी गरीब की मदद कर देते हैं लोग। और मुझे वो भी अच्छा लगता है, देखिए कि मंदिर में जाके चढ़ाने से भगवान तो वहां, देखिए भगवान हमेशा कहता है आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि गरीबों किसी जगह फेंक दीजिए पैसा, वहां बड़े बड़े दानियों को दे दीजिए, नहीं, किसी गरीब को बाहर अगर दे सकते हैं आप लोग दे दीजिए, क्योंकि मंदिर में आप देंगे पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, लेकिन बाहर कोई अगर बैठा हुआ है, कोई जरूरतमंद है, तो उसकी मदद करने से मुझे लगता है कि डायरेक्ट हमारे सामने तो मालूम है कि इसकी मदद हुई है, तो इसमें अच्छा भी रहता है। पीएम केयर फंड संबंधी चिंताओं की अगर बात करें, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद है तो फिर एक अन्य फंड का गठन क्यों किया गया है। पीएम केयर फंड के खर्च की सार्वजनिक जांच को लेकर मौजूदा अस्पष्टता के संबंध में कई विशेषज्ञों ने चिंता भी जाहिर की है। एक बात और याद रखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं इस समय, इनसे ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते हम लोग कि वो पब्लिक के बारे में ना सोचें। वो पब्लिक के लिए आप सोचते हैं, उनके कभी भाषण आप लोग सुनते रहते होंगे अक्सर, वो इस तरह से पब्लिक से बात करते हैं कि पब्लिक के लिए ही वो जी रहे हैं, उनके भाषण आप लोग सुनिए, अगर इस तरह का उनके राज्य में अगर इस तरह की हेरा फेरी होती है, इस तरह की जानकारी को छुपाया जाता है, तो मुझे लगता है कि जनता का भरोसा और हटेगा इस तरह के कामों से। जनता भी मदद के लिए आगे आई हुई है, आगे से मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगा, तो इस तरह की सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए तो आपने देखा है सूचना का अधिकार आया हुआ था। ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण बनाते हैं। उदाहरण के लिए पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसमें पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल है।
जो कि स्पष्ट तौर पर उसके सार्वजनिक प्राधिकरण होने का संकेत देता है। पता है मुझे लगा किसी ने कितने भी करोड़ रुपए दिए हुए हो, कितना भी पैसा दिया हो, मुझे सोनू सूद का काम अच्छा लगा कि चलिए दुनिया ने कितना भी पैसा दिया है पीएम फंड समय, किसका देखा, किसका देखा कि मदद हुई है, रोड पर लोग बराबर मरे हैं। आपने देखा है कि मुझे सबसे बुरी तस्वीर लगी और मुझे लगता है इतिहास में ऐसी तस्वीर पहली बार दिखाई दी, अंदर तक झकझोर के रख दिया। उस महिला का आप लोगों ने देखा होगा, काफी वायरल भी हुआ है कि एक महिला चलती है, उसे पैन होता है, उस वो बच्चे को रोड पर ही जन्म देती है और फिर उठ के चलने लगती है। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि कभी हमारे देश में बनी होगी। तो आप समझिए कोई मदद के लिए नहीं आया हुआ। सोनू सूद का इसलिए मुझे काम अच्छा लगा और सलूट करने का मन करता है यार। मतलब आप सोचिए एक व्यक्ति ने कितने लाख लोगों को घर पहुंचा दिया है, किस तरह से मदद की है। आपने ट्वीट किया, तुरंत आपकी मदद की गई, समझ रहे हैं? मतलब एक हमारे यहाँ अगर आप सोचिए कि अगर 545 के करीब 43 आपके करंट की बात कर रहा हूँ, दो मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में सदस्य, तो वो नहीं है चलिए मानते हैं, तो उनमें से आप लोग 543 अगर इस तरह के काम करते, चलिए 543 को छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप लोग ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को आपके 80 लोकसभा सदस्य हैं, 31 आपके राज्यसभा सदस्य हैं, 403 के करीब आपके विधानसभा सदस्य हैं और 100 के करीब आपके जो विधान परिषद के सदस्य देखेंगे। अगर आप सोचिए सोनू सूद की जगह ये लोग मदद के लिए आते तो उत्तर प्रदेश में 1% भी, मैं ये कहता हूं कि ना तो जनता भूख प्यास से मरती और ना ही इतना कोरोना फैलता, समझ रहे? लेकिन नेताओं को हम लोगों ने देखा कि घर में बैठे रहे, कोई रोड पर नहीं आया, कोई मंत्री कोई भी विधायक रोड पर जनता की मदद के लिए नहीं आया, कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। पता है ठीक है आज आपके पास पैसा है, हो सकता है कि आप अच्छे से जिंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन भगवान, अगर आप रामायण देख रहे होंगे उस समय, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भगवान अगर इस समय होते तो वो घर में दुमक के कभी नहीं बैठते, वो जाकर लोगों के लिए बीच मदद करते। नेता का यही तो कर्तव्य होता है कि अपनी जान भी अगर देनी पड़े जनता के लिए तो दे दीजिए, असली परिभाषा यही है। आप सोचिए आज से अगर 1947 से पहले आप लोग देख सकते हैं कितने क्रांतिकारी हुए हैं, कोई 17 साल में शहीद हो गया, कोई 14 साल में शहीद हो गया। अगर आप सोचिए, आप ही सोचिए कि वो भी सोचते कि हमें यार ये बीमारी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, तो आज भी हम लोग गुलाम होते या नहीं होते? तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आज हम लोग पंडित नेहरू को गाली देते हैं, जवाहरलाल नेहरू और आप देखते हैं गांधी को और बाकी भीमराव अम्बेडकर, इन सभी लोगों के बारे में बुराई करते रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी औकात नहीं है इनके बारे में बुराई करने की, कोई शब्द इन पर कमेंट करने की। और याद रखिए आज से हो सकता है कि 100 साल 200 साल हमारी आने वाली पीढ़ी एक क्रांति होगी। आप सोचिए क्रांति होगी, उसके बाद हम लोगों को उनसे खतरनाक गाली मिलेगी सुनने के लिए। कहा जाएगा कि इतिहास में देखिए आज जो भी हो रहा है, आज कोरोना महामारी के टाइम में लोग मर रहे हैं, जो भी हुआ है ये इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक समय था कि कोरोना महामारी आई हुई थी और नेता जाके घर में टीवी देख रहे थे, रामायण देख रहे थे, महाभारत देखा जा रहा था, समझ रहे? और जनता, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे तो एसी कूलर की हवा लेके जनता के ऊपर ही कमेंट कर रहे थे, उन्हें ही गलत ठहरा रहे थे और आंखें मुजिंदा लाश की तरह आंखें बंद करके देख रहे थे तमाशा। तो ये तो इतिहास की बात है, देखिए आज जो भी होगा इतिहास में जरूर कवर किया जाएगा। उस समय शायद हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी और समझदार होगी तो वो जरूर करेगी। आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की अगर बात करें NDRF की, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत किया गया। इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की सहायता करता है, बासरते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो। दैता बैंक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक NDRF के खातों की ऑडिट भी करता है। और याद रखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब से ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती थी कि कोरोना महामारी के टाइम में वो जनता का ख्याल ना रखें कि मुझे, क्योंकि मैं भी देखिए एक तरह से भक्त, आप कह लीजिए मैं भी अपने प्रधानमंत्री जी की बड़ी तारीफ करता हूं, उनके बारे में मुझे लगता है कि मैं इतिहास में
किसी का अगर मैंने तारीफ की है तो इन्हीं के बारे में हम लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ की है, लेकिन वैसा हमें रिजल्ट सामने नहीं दिखा है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपकी पीएम केयर फंड में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया हुआ है, और आगे जो भी अपडेट रहेगा आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, हमारा